अस्सलाम वालेकुम, आज मैं आपके साथ एक ऑथेंटिक रेस्टोरेंट स्टाइल लज़ानिया की रेसिपी शेयर करूंगी। आई होप कि आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी और आप मुझसे ये रेसिपी ज़रूर सीखना चाहेंगे। तो चलो, इस रेसिपी में हमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो नोट कर लेते हैं। लेटेस्ट रेसिपीज की वीडियोस हासिल करने के लिए सबसे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें और ऑल नोटिफिकेशन के ऑप्शन में क्लिक करें, ये बहुत जरूरी है। लज़ानिया बनाने के लिए हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए, बीफ का कीमा 1/2 kg, 4 से 5 टोमेटोज चाहिए ब्लेंड किए हुए, साथ ही शिमला मिर्च है मेरे पास, क्यूब में कटी हुई एक मीडियम साइज की, 3 से 4 मैंने मीडियम साइज की प्याज ली थी और उसे बिल्कुल चॉप कर लिया है। साथ ही अदर इंग्रेडिएंट्स में हमें चाहिए लेमन जूस 2 टेबलस्पून के करीब, साथ ही ब्लैक पेपर 1 टेबलस्पून, केचप हमें चाहिए 2 टेबलस्पून के करीब, सॉल्ट 1 टीस्पून के करीब, कुटी हुई लाल मिर्चें हमें चाहिए 1 टीस्पून के करीब, साथ ही हमें चिली सॉस चाहिए 2 टेबलस्पून, सोया सॉस हमें चाहिए 2 टेबलस्पून के करीब। इसी के साथ व्हाइट सॉस बनाने के लिए हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए घी या बटर 3-4 टेबलस्पून के करीब, ब्लैक पेपर 1 टीस्पून, मैदा हमें चाहिए 4 टेबलस्पून के करीब, दूध हमें चाहिए 1/2 कप के करीब, ऑरिगेनो फ्लेक्स हमें चाहिए 1 टेबलस्पून, सॉल्ट हमें चाहिए एज पर टेस्ट। इंग्रेडिएंट्स की क्वांटिटी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो चलें इसकी मेकिंग की तरफ चलते हैं। जी वीयर्स, बीफ का सॉस बनाने के लिए मैंने ऑलरेडी एक पैन में ऑयल ऐड कर दिया है। अब मैं इसमें चॉप की हुई प्याज ऐड कर रही हूँ। प्याज को हमें बहुत ज़्यादा गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई नहीं करना है, जस्ट हमें इसे सॉफ्ट होने तक फ्राई करना है ताकि इसका एक पिंक कलर आ जाए। 3 से 4 मिनट के लिए हम प्याज को अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। आप देख सकते हैं प्याज का हमारी कलर चेंज होना शुरू हो चुका है, ये हल्की सी सॉफ्ट हो चुकी है। अब मैं इसमें यहाँ पर ब्लेंड किए हुए टोमेटोज ऐड कर देती हूँ। टोमेटोज ऐड करने के बाद मैं इसमें केचप ऐड कर दूंगी, साथ ही इसमें हम ब्लैक पेपर ऐड कर देंगे। ब्लैक पेपर ऐड करने के बाद मैं इसकी कुटी हुई लाल मिर्च ऐड कर दूंगी, साथ ही इसमें हम सॉल्ट भी ऐड कर देंगे। सॉल्ट ऐड करने के बाद मैं इसमें सोया सॉस और चिली सॉस भी ऐड कर दूंगी। साथ ही इसमें हम लेमन जूस ऐड कर देंगे। लेमन जूस ऐड करने के बाद मैं इसमें ऑरिगेनो फ्लेक्स ऐड करूंगी। अच्छी तरह से तमाम चीज़ों को मिक्स करेंगे और 4 से 5 मिनट के लिए हम कुक होने देंगे टोमेटोज को, ताकि इसका तमाम एक्सेस पानी जो है वो ड्राई हो जाए। जी व्यूअर्स, आप देख सकते हैं हमारे टोमेटोज अच्छी तरह से कुक हो चुके हैं। अब मैं इसमें यहाँ पर बीफ का कीमा ऐड कर रही हूँ। अच्छी तरह से बीफ का कीमा टोमेटोज के साथ मिक्स करेंगे। 15 मिनट के लिए हम बीफ को कुक होने देंगे ताकि इसमें कोई कच्चापन ना रह जाए। बीफ का कीमा हमारा अच्छी तरह से कुक हो चुका है, आप देख सकते हैं तमाम एक्सेस पानी भी है वो ड्राई हो चुका है, ऑयल ऊपर आना शुरू हो चुका है। अब मैं इसमें यहाँ पर शिमला मिर्च ऐड करूँगी, जो कि मैंने क्यूब में काट कर रखी हुई थी। 2 से 3 मिनट के लिए हम इसे मज़ीद कुक करेंगे ताकि हमारी शिमला मिर्च थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए। सॉस बनाने के लिए मैंने एक पैन में ऑलरेडी घी ऐड कर दिया है, उसे मेल्ट कर लिया है, साथ ही हम इसमें मैदा ऐड कर देंगे। मैदे को हमें 4 से 5 मिनट के लिए अच्छी तरह से सौते कर लेना है ताकि इसका कलर चेंज हो जाए और उसमें से अच्छी सी खुशबू आने लगे और उसमें कोई कच्चापन ना रह जाए। अच्छी तरह से हम इसको सौते कर लेते हैं, साथ ही इसमें हम ब्लैक पेपर ऐड कर देंगे। ब्लैक पेपर ऐड करने के बाद मैं इसमें सॉल्ट ऐड कर दूंगी। अच्छी तरह से तमाम चीज़ों को मिक्स करेंगे और उसे अच्छी तरह से सौते कर लेंगे। साथ ही हम इसमें ऑरिगेनो फ्लेक्स ऐड कर देंगे। मैंने मैदे को अच्छी तरह से सौते कर लिया है। अब मैं इसमें यहाँ पर दूध ऐड करूँगी।
दूध को हम जब ऐड करें तो कंटिन्यूस हम इसमें चमचा हिलाते रहेंगे या विस्क की मदद से हम इसे मिक्स करते रहेंगे ताकि इसमें कोई लम्स ना बन जाए। आप देख सकते हैं ये स्मूथ सा पेस्ट हमारा तैयार हो चुका है। 2 से 3 मिनट हम इसे मज़ीद कुक करेंगे। आप देख सकते हैं ये हमारे पास बीफ मिंस का सॉस भी बिल्कुल रेडी हो चुका है, साथ ही हमें व्हाइट सॉस भी रेडी कर लिया है। इसी के साथ असेंबलिंग के लिए हमें जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो भी मैं आपको आगे बता देती हूँ। ये मैंने लज़ानिया शीट्स ली हैं, मैंने इन्हें 8 से 9 मिनट के लिए बॉईल कर लिया था, ये बॉईल हो चुकी हैं। चेडर चीज़ मैंने लिया है 2 कप के करीब श्रेड किया हुआ, 1/2 कप मैंने ऑलिव्स लिए हैं। तो अब हम इसकी असेंबलिंग की तरफ चलते हैं। असेंबलिंग के लिए मैंने यहाँ पर एक ओवन प्रूफ डिश ली है, उसमें मैंने ऑलरेडी ऑयल से ग्रीस कर लिया है। अब मैं इसमें यहाँ पर लज़ानिया शीट्स बिछा रही हूँ। अच्छी तरह से हर तरफ हम लज़ानिया शीट्स बिछा देंगे। अब मैं इसमें यहाँ पर व्हाइट सॉस स्प्रेड करूंगी। अच्छी तरह से हर तरफ हम थोड़ा थोड़ा करके स्प्रेड करेंगे। व्हाइट सॉस स्प्रेड करने के बाद मैं इसमें बीफ का सॉस ऐड करूंगी। हर तरफ अच्छी तरह से हम बीफ का सॉस भी स्प्रेड कर देंगे। इसी तरह से हम दूसरी लेयर भी तैयार कर लेंगे। मैंने यहाँ पर दोनों लेयर्स बनाकर तैयार कर ली हैं। अब मैं इसमें चेडर चीज़ ऐड कर रही हूँ, चेडर चीज़ जो कि मैंने ऑलरेडी श्रेड करके रखा हुआ है। अच्छी तरह से हर तरफ ऐड करेंगे और इसे अच्छी तरह से कवर कर देंगे। आप चाहें तो इसमें मोजरेला चीज़ भी यूज़ कर सकते हैं, मैं सिर्फ यहाँ पर चेडर चीज़ यूज़ कर रही हूँ। अगर आप मोजरेला यूज़ करें और चेडर भी यूज़ करना चाहते हैं तो आप चेडर की क्वांटिटी थोड़ी कम कर दीजिएगा, साथ ही आप इसमें मोजरेला चीज़ ऐड कर दीजिएगा। चीज़ ऐड करने के बाद मैं इसमें ऑलिव्स ऐड करूंगी जो कि मैंने ऑलरेडी चॉप करके रखे हुए हैं। मैंने तमाम चीज़ अच्छी तरह से ऐड कर दिया, आप देख सकते हैं मैंने इसको अच्छी तरह से कवर कर दिया है। अब मैं इसमें ऑलिव्स ऐड करूंगी, थोड़े थोड़े करके हर तरफ ऐड कर देंगे। ओवन को मैंने ऑलरेडी प्रीहीट किया हुआ है 180 डिग्री पे। अब हम इसे 15 मिनट के लिए बेक करेंगे, देन फिर हम इसकी आपको डिश आउट दिखाएंगे। व्यूअर्स आप देख सकते हैं हमारे ऑथेंटिक लज़ानिया बिल्कुल रेडी हो चुका है। आई होप कि आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है और आप मुझसे मज़ीद रेसिपी सीखना चाहते हैं तो मेरा चैनल रेसिपीज जंक्शन को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।